अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रीमी चिकन फेटुचिनी बना रहे हैं, जिसके लिए फेटुचिनी पास्ता लिया है 500 ग्राम। पास्ते को बॉईल करने के लिए ऑयल 1 खाने का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच, क्रीम 2.5 कप, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट लिए थे इनको लंबाई में काट लिया है, 4 खाने के चम्मच मक्खन, 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक हसबे जायका, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और 2 खाने के चम्मच चीज़। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फेटुचिनी को बॉईल करने के लिए पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें नमक और ऑयल डाल देंगे। इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फेटुचिनी डाल देंगे। और इसको 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। पास्ता बॉयल कर लिया है। अब इसको निकाल के इस पर ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। पास्ते को बॉयल कर लिया है। अब एक पैन में मक्खन डालकर मेल्ट कर लेंगे। मक्खन मेल्ट हो गया है। अब इसमें लहसुन डालकर हल्का सा सोते कर लेंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें चिकन काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और चिकन को 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चिकन को 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें क्रीम डाल देंगे। और मिक्स्ड हर्ब्स डालकर मिक्स कर लेंगे। सॉस को गाढ़ा करने के लिए 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे।
सॉस जब गाढ़ी हो जाए तो इसमें चीज़ डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पास्ता डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फेटुचिनी पास्ता तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। क्रीमी चिकन फेटुचिनी पास्ता को सर्व कर दिया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका क्रीमी चिकन फेटुचिनी पास्ता कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।